हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो मैं आज सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने एक टोमेटो पे यानी टमाटर पे एक वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके यह बताया है कि उनको उससे फ़र्क पड़ रहा है, उनके दाग धब्बों में वह जो फेस पैक है वह कमी लेकर आ रहा है। तो इसी के चलते एक और मैं फेस पैक आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो फ्रेंड्स आज एक बहुत ही खास चीज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है ये, आप शायद देख कर इसको पहचान नहीं रहे होंगे। ये है फ्रेंड्स मुलेठी का पाउडर, यानी कि लिकोरस पाउडर मुलेठी, जिसको आपने आज तक अपनी थ्रोट प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि अक्सर हम हमारे गले में जब ज़्यादा खराश हो जाते हैं, कफ हो जाती है, तो हम मुलेठी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, और इतनी अच्छी मानी जाती है कि जो हल्दी है या फिर जो चंदन पाउडर है उसके उसके बराबर का इसको दर्जा दिया गया है स्किन केयर के लिए। हम यूजुअली हम ये इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम इसको जानते नहीं हैं, लेकिन सदियों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसके एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ के लिए। फ्रेंड्स, आपके स्किन की प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपको सोराइसिस हो या फिर एक्जिमा हो गया हो या फिर पिंपल्स या एक्ने ही क्यों ना हो, उन सबको ख़त्म करने का ये मादा रखती है। इसमें इतनी ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और स्किन वाइटनिंग तो ये नेचुरली तौर पर करता है। तो इसी को लेकर आज बेहतरीन से दो फेस पैक लेकर आई हूँ। एक है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए, जो कि इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, और एक दूसरा है आपके दाग धब्बों को दूर करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो इस पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि स्किन वाइटनिंग के लिए आपको ये मुलेठी के पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर ये मुलेठी पाउडर मैंने घर में बनाया है। मुलेठी को पीस के उसके काफ़ी सारे धागे हो जाते हैं, उनको अलग करके छान कर ये मुलेठी का पाउडर मैंने बनाया है, लेकिन आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो स्किन वाइटनिंग के लिए इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना जो ये मुलेठी पाउडर है यानी लिकोरिस पाउडर है, इसका मैं हाफ टेबल स्पून यहाँ पर ले रही हूँ। सेकेंड जो चीज़ मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ वो है फ्रेंड्स हनी। हनी नॉर्मल जो भी आप लेना चाहें, इसका मैं हाफ टेबल स्पून यहाँ पर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र तो है ही, लेकिन इसमें जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी स्किन को वाइटन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा खास है, और हम यूजुअली इसका कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतरीन चीज़ है, वो है फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स रोज़ पेटल पाउडर, यानी कि जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको सुखाकर उनका जो पाउडर तैयार किया जाता है वो ये बनता है। ये भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, ये आपके चेहरे पर ना सिर्फ एक फ्रेशनर लाता है, ना सिर्फ उसको निखरा निखरा बनाता है, बल्कि एक नेचुरल ग्लो भी लेकर आता है। तो इसका हमको हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। पहले इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करूँगी। एक तो इसमें इससे फेस पैक की कंसिस्टेंसी आएगी, दूसरा ये आपके चेहरे को आपकी स्किन को ना सिर्फ वाइटन करेगा बल्कि उसमें एक फ्रेशनेस भी लेकर आएगा। बस इस तरह से मिक्स करते हुए हमारा ये फेस पैक स्किन वाइटनिंग फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इसको आपको लगाना है अपने चेहरे पर, और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक आपको ज़रूर इसको लगा के रखना है, जिससे कि आपकी जो स्किन है इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब करके। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को 2 से 3 टोन तक ये फेयर बना सकता है मुलेठी में, इतनी अच्छी इतनी ज़्यादा ऐसी स्किन वाइटनिंग क्वालिटीज होती है। तो इनको आप इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि डार्क धब्बों के लिए यानी ब्लैमिशेस के लिए आपको कैसे मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो दाग धब्बों के लिए फ्रेंड्स, वही मैं अपना हाफ टेबल स्पून यहाँ पर ये मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पर मिलानी है वो है फ्रेंड्स सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। ये आप आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सैंडलवुड पाउडर में ना सिर्फ स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है बल्कि आपकी स्किन टाइटली लाइटन करता है, जिससे कि जो भी दाग धब्बे हैं वह धीरे धीरे मिटते जाते हैं। एकदम से कोई भी फेस पैक आपकी स्किन पर नहीं प्रभाव डालता है, बल्कि धीरे धीरे कुछ टाइम के इस्तेमाल से, रेगुलर उसके इस्तेमाल से, ये आपकी स्किन टोन को ब्राइटर करने के साथ साथ आपके दाग धब्बों को, ब्लेमिशेस को भी लाइटन करेगा। तो
तो इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कच्चा दूध मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक है ये ना सिर्फ आपकी जो स्किन टोन है उसको तो फेयर बनाएगा ही, जो ब्लेमिशेस है उसको कम करने का भी काम करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसे गर्मियों में सन टैन की बहुत कॉमन समस्या हो जाती है या सन बर्न हमें हो जाता है, उसके लिए भी ये फेस पैक बेहतरीन है। इसका आप इस्तेमाल करके देखिए, सिर्फ वीक में दो बार भी करेंगे तो भी ये आपको इतने ज़बरदस्त इफेक्ट देगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। इसको आपको 20 मिनट तक यानी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक लगाए रखना होगा, उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से हल्के हल्के मसाज करते हुए आप इसको उतार लीजिए। बेहतरीन से ये दोनों फेस पैक है फ्रेंड्स, मुलेठी पाउडर के यानी लिकोरेस पाउडर के, इनको आप ट्राई ज़रूर कीजिए और इसके रिजल्ट्स भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं वह भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।